हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कच्चे आम का हींग वाला अचार बनाना बता रही हूँ। ये बिना तेल के बनता है और ये पूड़ी, मठरी इन सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको हम साल भर तक ऐसे ही बिना तेल के प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इस अचार से हम साल भर तक आम की चटनी का एंजॉय कर सकते हैं। आप इसमें धनिया या पुदीना कुछ भी मिला के और इसकी चटनी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कच्चा आम लिया, उसको धो के अच्छे से सुखा लिया। इसके लिए हमको बिना जाली वाला आम चाहिए होता है। अगर नहीं है तो फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं और उसका बीज का हिस्सा हटा के और छील के इसको महीन महीन पीसेस में काट लेंगे और 2 घंटे के लिए इसको हम धूप में सुखा लेंगे। और इसके लिए हमको लाल मिर्च की ज़रूरत है, तो ये हमने लाल मिर्च खड़ी वाली ली है और इसके अंदर से हमने बीज को निकाल दिया है। इस तरह देखिए, मिर्ची को बीज से तोड़ देंगे और फिर उसका बीज निकाल देंगे और फिर हम मिर्च को पीस लेंगे। हमको बीज वाला हिस्सा नहीं चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लाल मिर्च पीसी वाली भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं। तो मिर्च के अलावा हमको 1 चम्मच हींग चाहिए, क्योंकि हींग वाला अचार बना रहे हैं तो इसमें हींग तो ज़्यादा लगेगा ही, और नमक लेंगे। तो बस ये तीनों चीज़ें ही लगती हैं इसमें। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को पीस लेते हैं। तो ये ग्राइंडर जार में हम इन तीनों चीज़ों को डाल के और पीस लेंगे। तो मैंने मसालों को ग्राइंड कर लिया है। अब हम आम को एक बाउल में ले लेंगे, जिससे हमको मिक्स करने में आसानी रहेगी। तो हम इसको बाउल में ले लेते हैं और मसालों को भी इसी में डाल के मिक्स कर लेंगे। आप इस अचार से अगर चटनी बना रहे हैं तो 1 चम्मच ये अचार लीजिए और धनिया और मिर्च वगैरह जो भी आपको डालना है वो डाल के चटनी बना लीजिए। बहुत टेस्टी चटनी बनती है। तो अब हम एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर को धो के अच्छे से सुखा लेंगे और इसमें अचार को भरकर 2-3 दिन धूप दिखा लेंगे। धूप नहीं भी है तब भी ये ऐसे ही गल जाता है। तो देखिए, 2 दिन बाद हमारा अचार एकदम अच्छे से गल गया है, सॉफ्ट हो गया। मैं इसको अभी आपको निकाल के काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम अच्छे से कट जा रहा है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।